हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज मेरे पास है यामाहा FZ-H फ्यूल इंजेक्टर वाला। तो काफ़ी सारे दोस्त ने कमेंट करके पूछता है इसका फ्यूल टैंक रिमूव कैसे करना है, इसलिए मैं आज इस फ्यूल टैंक रिमूव करने के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ और फ्यूल पाइप भी कैसे खोलना चाहिए। ज़्यादा सारा दोस्त और जो दोस्त कम सीख रहे हैं वो दोस्त कमेंट करके पूछता है। तो आइए पहले टोटली मैंने खोल के रखा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा होगा। और इस बाइक का जो फ्यूल टैंक, इसके अंदर पानी घुसा है, इसलिए फ्यूल टैंक के भी मैं क्लीन करने वाला हूँ। तो आइए पहले फ्यूल पाइप को कैसे रिमूव करना चाहिए वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्त, ये इंजेक्टर वाला साइड, ये इंजेक्टर वाला साइड खोलना है तो दोनों साइड ही सेम प्रोसेस है ये खोलने के लिए फ्यूल पाइप। तो देखिए, ये लॉक को इस तरह बाहर किया हूँ, उसके बाद थोड़ा इसको इस तरह खींचने से ये बाहर आ गया। और फिर से डालना है तो सेम प्रोसेस, इसको इस तरह दबा दिया, ये लॉक हो गया, अभी इस तरह खींचने से भी बाहर आएगा नहीं। दोस्तों ये देखिए, और एक बार अच्छी तरह से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये हो गया, ये बाहर आ गया। मेरे को फ्यूल टैंक क्लीन करना है, इसलिए ये जो पाइप इंजेक्टर साइड इसको सेट करता हूँ। और सेट करने के बाद फ्यूल टैंक का साइड जो पाइप रहता है उसको खोल के दिखाता हूँ और फ्यूल टैंक को बाहर कर लेता हूँ। ए दोस्त, मेरे को ए साइड अभी खोलना है। ए साइड खोलने के लिए पहले इंजेक्टर का साइड देखा है, सेम प्रोसेस। देखिए ये दोनों को थोड़ा इस तरह दबाए, ये बाहर आ गया। अभी इस तरह खींचने से ये फ्यूल पाइप रिमूव हो गया। अभी ये टैंक के अंदर जो मोटर रहता है और फ्यूल मीटर भी शो होता है, इसके जो चारों ओर, ये चारों ओर अभी मेरे को टैंक बाहर कर लेना है। मैंने टोटली खोल लिया हूँ, अभी इसको बाहर कर लेता हूँ। दोस्तों पहले ये जो रिले और सेंसर लगा हुआ है, इसका पहले एक वीडियो अपलोड किया हूँ, ज़रूरत पड़े तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने वाला हूँ, उधर देख लीजिए। ये बैक एंगल सेंसर गाड़ी गिरने से बंद हो जाता है, ये इसलिए दिया जाता है। और ये रिले सेल्फ स्टार्टर का होता है, सेल्फ स्टार्टर का दो रिले होता है, एक बैटरी साइड में लगा हुआ रहता है, वो रिले भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो वायर, रेड कलर वायर आप देख पा रहे हैं, इधर ही एक रिले है और दूसरा रिले, वो रिले से डायरेक्ट करके काम नहीं हो रहा था, स्विच दबाने के बाद भी काम नहीं हो रहा था, ये रिले को चेक करना है। और गाड़ी गिरने के बाद स्टार्ट नहीं ले रहा तो इस रिले को चेक करना है। और कैसे चेक करना है, पहले एक वीडियो अपलोड किया हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालने वाला हूँ, उधर देख लीजिए। और आज जितना बात आपको बताया वो ज़रूर अच्छा लगा होगा। और मैंने बाइक रिलेटेड वीडियो बना तो आपको बाइक रिलेटेड वीडियो चाहिए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज इतना ही बस, ओके बाय।